नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कानपुर शूटआउट की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने हमीरपुर एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे के बारे में बताया, साथ ही उन्होंने पुलिस जांच को लेकर जानकारी भी साझा की। हमीरपुर मुठभेड़ में अमर दुबे मारा गया है, ये यहां पर कंफर्म किया एडीजी ने। उन्होंने ये भी कहा कि मारे गए अमर दुबे के पास कई हथियार बरामद किए गए और अब तलाश तेज है विकास दुबे के लिए। घटना का मैं नामित और वांछित तथा 50,000 का इनामी बदमाश आज सुबह हमीरपुर जिले के थाना मौदहा अंतर्गत एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के संयुक्त मुठभेड़ में इसी क्रम में बीती रात एक अन्य अपराधी 50,000 का इनामिया श्यामू वाजपेयी, जो कि उस एफआईआर में नामजद है, तथा जहान यादव ये भी नामजद अभियुक्त है, तथा एक अन्य अभियुक्त संजू दुबे को कानपुर नगर के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्यामू वाजपेयी, जहान यादव और संजू दुबे जी नहीं, इसमें श्यामू वाजपेयी पे 50,000 का इनाम है, जहां पे नहीं। फरीदाबाद हरियाणा में के थाना खेरी पुल में मुठभेड़ के दौरान हरियाणा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम क्रमशः कार्तिके उर्फ प्रभात, निवासी ग्राम बिकरू। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई एडीजी की तरफ से, कई बातें इसमें स्पष्ट हो गई, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि विकास दुबे आखिरकार है कहां, पुलिस के पास उसका कोई सुराग है भी या नहीं, या सिर्फ ताना बाना और कहानियां ही बुनी जा रही है अभी तक। देखिए, फिलहाल तक जिस तरीके से कल फरीदाबाद पुलिस की रेड से पहले भागा, उससे तो यही लग रहा है कि सिर्फ कहानियां ही बुनी जा रही हैं। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि वो एनसीआर में ही फिलहाल कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस सीक्वेंस में भागा है, उस सीक्वेंस में कल पूरी देर रात मशक्कत की गई है। हर टोल प्लाजा की, हर बस स्टैंड की तलाशी ली गई है। कुछ सीसीटीवी भी हाथ लगे हैं, कुछ हमारे हाथ भी वो सीसीटीवी लगे हैं। घर के बेहद नज़दीक जहां पर फरीदाबाद पुलिस ने रेड की थी, वहां से कुछ दूरी पर एक शख्स जो है बैग हाथ में पीछे लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो फरीदाबाद की पुलिस टीम है वो उस शॉप पर गई और शॉपकीपर से कहा कि ये विकास दुबे है, उसके बाद वहां से सीसीटीवी फुटेज लेकर गई। फरीदाबाद से स्लिप होने के बाद गुरुग्राम, दिल्ली और नोएडा, गाजियाबाद, इन तमाम इलाकों में रेड की गई है। लेकिन सवाल यही कि विकास दुबे कहाँ है, और बड़ा सवाल ये भी है कि फिलहाल वो अकेले है, क्योंकि उसके साथ जो शख्स था प्रभात, उसको आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा। और ये भी इस बात सामने आई कि प्रभात ने, सोचिए कि कितने ये खतरनाक क्रिमिनल है कि कानपुर के बाद फरीदाबाद में भी फरीदाबाद पुलिस पर जो प्रभात है उसने फायरिंग कर दी, हालांकि उसको दबोच लिया गया, लाइसेंसी पिस्टल भी रिकवर हो गई है, जो ये बड़ा संकेत देती है कि विकास दुबे यहीं पर है, फरीदाबाद में ही छुपा हुआ था और उसके बाद यहां से फरार हुआ। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अब इसके आगे कहां गया, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बदरपुर बॉर्डर यानी दिल्ली उस इलाके की तरफ भी गया था। बॉर्डर टू बॉर्डर इसकी तलाश की जा रही है, दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं गया है, ये भी संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ यहां पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए लंच ब्रेक। एसटीएफ की टीम एक बार फिर विकास दुबे के गांव पहुंची है। एसटीएफ यहां विकास दुबे के हथियारों की तलाश में है।
ये टीम विकास दुबे के घर के पास बने कुएं को खंगाल रही है। शक है कि विकास दुबे ने कुएं में हथियार फेंके हैं। अब कुएं को खाली किया जाएगा और उसके बाद हथियारों की तलाश की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।